फ्रेंड्स, मैं अपनी जर्नी के बारे में क्या ही बताऊं। मैंने मेरा चैनल जो शुरू हुआ था, मैंने जब मेरा चैनल आईडी बनाया वो है 12th अप्रैल 2018 को मैंने अपना चैनल बनाया। और मैंने पहला वीडियो अपलोड किया यूक्लिड्स लेमा के रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो स्टूडेंट्स, वो पहला वीडियो मैंने बनाया, बहुत एक्साइटमेंट था। और जैसे मैंने 10 बजे रात को 10 बजे मेरा अपलोड हुआ वीडियो, और 12 बजे तक तो मुझे 100 व्यूज़ आ गए थे। तो मैं इतना खुश हो गया कि वाह, मेरा पहला ही वीडियो, पहले दिन इतना सक्सेस। तो मुझे लगा था कि यार मेरा तो बहुत जल्दी मैं सक्सेस हो जाएगा, मेरा बहुत जल्दी मेरा काम हो जाएगा। बट जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मेरा दूसरा वीडियो अपलोड हुआ, तीसरा वीडियो अपलोड हुआ, हर वीडियो में मुझे कम से कम 50+ तो व्यूज़ आ ही रहे। और मैंने पहले दिन ही कम से कम 20 सब्सक्राइबर गेन कर लिए थे। वो तो जेन्युइन है, क्योंकि उसमें 10-12 तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही थे, और 3-4 जेन्युइन मेरे फॉलोअर्स भी थे। वो भी बात सही है कि 3-4 तो मेरे थे जो स्टैंडर्ड 10 के स्टूडेंट्स थे, जिसने मेरे वीडियो को लाइक किया और मुझे पसंद आया उनको मेरा वीडियो, और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो ये मेरी बहुत खूबसूरत शुरुआत हुई थी। पर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे पता चल रहा था कि मेरे चैनल का नाम तो एडुएंटेन में रखा है, पर इसमें सिर्फ एडुकेशन ही हो रहा है। मैंने एलिमेंट्स ऐसे रखे थे वीडियो में, जैसे मस्ती टाइम और सब, ट्राई किया था कि ये दोनों का मिक्सचर मैं अच्छे से बैलेंस कर पाऊँ, पर मुझे लगा कुछ और नया, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, तो सब करते ही है। तो फिर मैं एडुएंटेनमेंट एक्स्ट्रास करके एक न्यू सीरीज लाया, जिसमें मैंने पाई पे वीडियो बनाया, जो मेरा अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो रहा है। 500 व्यूज वो हो गया मेरे वो उस वीडियो का। फिर मैंने न्यूटन पे वीडियो बनाया, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा इस चैनल पे। आप कोई भी अगर नया सब्सक्राइबर, कोई भी नया अननोन सब्सक्राइबर, अगर वो मेरा वीडियो, न्यूटन वाला वीडियो अगर देख लेगा, तो मेरी गारंटी है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ही, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो था। उसमें एक मैंने ध्यान रखा था कि बस ये न्यूटन थियोरेटिकली तो बहुत लोग बता देते हैं कि ये लॉ है, ये स्टेटमेंट है, पर मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए कि जिससे फीलिंग आए और एडुएंटेनमेंट का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए। फिर मैंने फील द नेचर के ऊपर भी एक एडुएंटेनमेंट एक्स्ट्रा एपिसोड 3 किया। और आज मैं एडुएंटेनमेंट एक्स्ट्रा एपिसोड 4 कराऊँ मेरी जर्नी के बारे में, क्योंकि इस साल का आज एंड आ रहा है, आज 28 दिसंबर हो गया है। तो बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि YouTube का सफ़र मैंने जितना आसान सोचा था, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितना सोचा था, मैंने तो सोचा था अभी तक तो शायद 500-600 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पर अब तो मैं 100 भी टच नहीं हुआ अभी तक तो। सो बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि मेरे जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो, 1000 सब्सक्राइबर जो मेरा कंडीशन है YouTube के लिए वो कम्प्लीट हो, 4000 आवर्स है वो कंप्लीट हो, अभी तक 550 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी मेरे आइडियाज़ आए, मैंने अपना, मेरे पास जो मोबाइल पड़े थे उसका मैंने इस्तेमाल किया, सो उससे मैं कम से कम 550 तक आवर्स तक तो पहुंच ही गया। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप सपोर्ट करते रहे मेरे जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है, जो अभी तक शायद 30 से 35 के आसपास होंगे, उनको तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि वो लोग मेरा वीडियो रेगुलरली देखते भी है और मुझे लाइक भी देते हैं। और तो मैं उन लोगों को ही स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतना है मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। बस यही उम्मीद है कि बस 2019 में तो बहुत ही स्लो ग्रोथ रहा, कुछ ना के बराबर ग्रोथ बोल सकते हैं यूट्यूब की दुनिया में। मैं बहुत उम्मीद है कि 2020 में मेरा अच्छा से ग्रोथ हो, मैं अच्छे से बहुत आगे बढ़ूँ। अभी मेरी जर्नी की शुरुआत ही हुई है, 8 महीने हो चुके हैं, पर अभी बोल सकता हूँ कि शुरुआत ही हुई, क्योंकि 8 महीने में ज़्यादा कुछ मैंने गेन किया नहीं है। पर जो गेन किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उसकी तो कोई वो किसी का कंपेरेबल नहीं। जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने जो वीडियो एडिटिंग सीखे, मैंने जो स्किल्स सीखे, मैंने जो डेवलपमेंट हुआ मेरा, वो तो अलग ही वो शायद एक असली वैल्यूज़ हो सकता है, असली कीमती चीज़ है जो मैंने 8 महीनों में सीखी है। बस उस 2020 में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है वो भी मैं गेन करूँ। सो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट।